अलमारी गिरने के बाद दोनों लेडी ऊपर की तरफ झट से भागती है। वो दोनों ऊपर पहुंचती है और देखते हैं कि वो दोनों को कुछ लगा तो नहीं, और वो छोटी बच्ची उन लोगों के पास चली जाती है और वो छोटा बच्चा छाता पकड़ के खड़ा हो जाता है। तब वो छोटी बच्ची छाता लेने के लिए हाथ आगे करती है और उस बच्चे के हाथ में से छाता छीन लेती है। तब वो दोनों लेडी नीचे गिरे हुए फोटोज को देखती हैं और तब उस छोटे बच्चे की कहानी पता चलती है कि वो कौन है और उसके साथ क्या क्या हुआ था। वो बच्चा रोते हुए नीचे देखने लग जाता है और तब पता चलता है कि उस छोटे बच्चे के पिताजी के पास वो पीले कलर का छाता था। उस वजह से वो पीले कलर का छाता ले लेता है और अपनी अलमारी में रख देता है। और इस कहानी में वो दोनों बोट की मदद से कहीं और से आए होते हैं। वो दोनों बड़े दुखी होते हैं। वो दोनों जब आए होते हैं तब ना तो उनके पास रहने की जगह थी, ना तो खाने के लिए कुछ पैसे थे। वो दोनों दरअसल रेफ्यूजी होते हैं और वो दोनों भूखे भी होते हैं, लेकिन उन लोगों के पास ना तो कुछ पैसे थे ना ही कुछ और वो दोनों खाने को ही देख रहे होते हैं। तभी अगले सीन में वो बच्चा खुश होते होते चलते रहता है। तभी वो दोनों एक घर के सामने आके रुक जाते हैं और उस घर के सामने जाते हैं। उस बच्चे के पिताजी छाते को बंद करते हैं और घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उस बच्चे को प्यार करने लगते हैं। और फिर वो अपने गले का गमछा निकालते हैं और अपने बच्चे को दे देते हैं। और फिर वो अपने बच्चे को प्यार भरी नज़रों से देखते हैं, खड़े होते हैं और दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। और वो बच्चा अपने पिताजी को जाते हुए देख रहा होता है। दोस्तों, ये कहानी वो छोटा बच्चा याद करके रो रहा होता है। उस छोटे बच्चे की ये स्टोरी जानकर वो छोटी बच्ची अपना छाता उसे दे देती है और फिर उस छोटे बच्चे की हैप्पीनेस देखिए। उसे ऐसा लगता है कि उसके पिताजी उसे फिर से मिल गए।